नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का एक नया सेशन। जैसे कि पहले मैंने एक सेशन डाला था ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री के अंदर हमने ये देखा कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, समरूपता त्रिभुज की, जिसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप देखें ज्योमेट्री में बहुत सारे, लगभग 60 से 70% सिमिलरिटी का रोल है। और सिमिलरिटी लगाने का तरीका देखिए, हर बच्चे का अलग अलग है। कोई बच्चा किसी तरीके से लगा रहा है, कोई किसी तरीके से लगा रहा है। जिन्होंने भी मेरा पहला सेशन देखा है, ठीक है, वो ये बात समझ सकते हैं कि भाई ज्योमेट्री मैंने बताया था कि सिमिलरिटी कहाँ से शुरू हुई थी और धीरे धीरे करके कहाँ तक आ गई और किस तरीके से आप उसे पेन फ्री कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी करंट में जितने भी मेंस वगैरह में क्वेश्चन आए हैं सिमिलरिटी पे, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये सिमिलरिटी जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये सर्कल तक जाएगा, फिर आपके मेंसुरेशन में भी जाएगा। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि जो हमने फर्स्ट सेशन में इससे सीखा, वो आज कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो कुछ एक बेसिक पार्ट अभी रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें, हमने ये पढ़ा कि भाई अगर एक ट्रायंगल है और एक लाइन इसके समांतर है, ये मैंने आपको बताया था, एक ट्रायंगल है और उसके समांतर एक लाइन है, जो अनुपात, देखिए सिमिलरिटी पढ़ाने का तरीका मेरा हमेशा से ये रहता है और मैं आपसे भी ये कहूँगा कि समरूपता हमेशा इसी तरीके से पढ़िए। जैसे कि मैं ये कहूँगा कि भाई इसका और इसका अनुपात, ऐसे मैं कहूँगा इसका और इसके अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। इसे मैं तीन एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कहीं भी मैंने नाम नहीं लिखा, ना मैंने ए लिखा, ना मैंने बी लिखा और ना मैंने सी लिखा, ठीक है, और ना मैंने डी और ई लिखा। मैंने सीधी बात बोली कि भाई जो ये वाली साइड है अपॉन ये वाली साइड है, ये बराबर होगी ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड के, ठीक है। सीधी सी बात कि भाई जितना ये है और ये है, और जितना ये है और ये है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा ये भी बताया था मैंने आपको। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया कि भाई अगर इसके अंदर एक लाइन आप समांतर बना देते हैं, देखिए बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक जाते हैं और ये सीखेंगे सिमिलरिटी आप किस किस तरीके से लगा सकते हैं। आपने देखा ये लाइन इसके समांतर है तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ठीक है, और ये कोण तो बराबर है ही। तो ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये नीचे वाला त्रिभुज, ये बराबर हो जाता है, ठीक है, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। साथ के साथ हम इसमें ये बोलते हैं कि भाई जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, इसका अनुपात ये वाली साइड का अनुपात और इसका अनुपात, यानी दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं नहीं लिखूंगा ज्योमेट्री के अंदर ये। और आपको भी ये सीखना है, चीज़ों को करना सीखना है। एग्ज़ाम में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप करते कैसे हैं। सिमिलरिटी आती है सभी को है, सभी टीचर्स भी पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स भी 80% 90% जानते हैं, पर लगाते किस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हमने देखा साथ के साथ। अब जैसे कि मान लेते हैं, मैं ले लेता हूं, एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, एक ट्रायंगल ये ले लिया मैंने, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, इसके अंदर लगातार लाइनें खींच दी मैंने, समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं खींचने का मतलब ये है कि आपने ये सभी सिमिलर ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि अगर मैं देखता हूँ ध्यान से, आप देखिएगा, अगर ये साइड वन है, ये वाली साइड टू है, इससे आगे वाली साइड तीन है, उससे आगे वाली साइड चार है, ठीक है, इससे आगे वाली साइड तीन है, उससे आगे वाली साइड चार है, और उसके आगे पांच है अगर, ठीक है, तो आप एक बात बोल सकते हैं कि ये सभी समरूप हैं, ये सभी त्रिभुज। साथ के साथ
अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ, एरिया क्या हो गया, देखिए बात समझिएगा, वन स्क्वायर ये हो गया आपका टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ये हो गया आपका थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, ये हो गया आपका फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइव स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो समरूप त्रिभुज होता है, समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होते हैं वो उनके भुजा के वर्ग पे निर्भर करते हैं, यानी एरिया इज प्रोपोर्शनल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई आज की बेसिक सी बातें। तो कुछ और बेसिक हमने और जाना है इसके अंदर, हमने ये देखा कि किस किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो ये आपको मैंने और बता दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि भाई इसका एरिया एक यूनिट होगा अगर, तो इसका एरिया तीन यूनिट हो गया, इसका एरिया पाँच यूनिट हो गया, इसका एरिया सात यूनिट हो गया, इसका एरिया नौ यूनिट हो गया। तो लगातार एरिया का यूनिट आपको पता लग गया कि एरिया कितना कितना होगा। ये तो रही पूरी बेसिक बात अभी तक। ठीक है, अब बेसिक से आगे अगर हम बढ़ते हैं, बेसिक से आगे आते हैं अब क्वेश्चंस पे, यानी भाई सीख तो हमने बहुत सारी चीज़ें ली, अब पेपर में किस तरीके से अप्लाई करना है, इसके लिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूँ आपके सामने, ये रहा, ये क्वेश्चन है आपका पहला, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, पहले क्वेश्चन ये है कि भाई ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी जो है 90 डिग्री है और बी डी ए सी पर लंब है। अगर आप देखते हैं ध्यान से, एक ट्रायंगल मैं बनाता हूँ ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने। अब मैं आगे आता हूँ, आगे आप देखेंगे ध्यान से, ए बी सी में ए पर समकोण बनता है बी पर, बी पर समकोण बन गया आपका ये, ठीक है, बी पर राइट एंगल बना दिया मैंने। अब वो बोलता है बी डी ए सी पर लंब है, बी डी बनाया आपने जो कि ए सी पर लंब हो गया। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ये अभी करंट का एग्जाम का क्वेश्चन है, करंट में ही प्री या मेंस का एग्जाम में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, सिमिलरिटी के लिए आपको रूल पढ़ाए गए और आपको बताया गया कि भाई दो एंगल अगर आप सेम देख लेते हैं तो सिमिलरिटी यानी समरूप बन जाता है। अगर आप इस एंगल को थीटा ले लेते हैं तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल मैंने 90 माइनस थीटा लिख दिया, ये अगर 90 है तो ये वापस थीटा आ जाएगा और ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब दो एंगल सेम, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, पहली लाइन अगर मैं देखता हूँ, ये पहली में बोल रहा है बी ए डी सी बी डी के सिमिलर है। अगर मैं देखता हूँ बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी और सी बी डी, जो बी पे एंगल है वो सी पे एंगल होना चाहिए, जो बी पे एंगल है वो सी पे एंगल हो गया, जो ए पे एंगल है वो बी पे होना चाहिए, जो ए पे एंगल है वो बी पे हो गया यहाँ पर, और जो डी पे है वो डी पे होना चाहिए। पहला तो ठीक हो गया, चलिए ठीक है, मैं दूसरे पे आता हूँ, बी ए डी सी ए बी के, बी ए डी सी ए बी, सी ए सी ए बी, तो आप देख सकते हैं जो बी पे है वो सी पर है, बी पे आप देखते हैं बी ए डी में ये थीटा है वही सी पर है, जो ए पर है वो ए पर है, जो डी पर है वो बी पर है, तो जो डी पे हो गया वो बी पर बन गया, ये भी सिमिलर हो गया। ठीक है, तो पहला और दूसरा तो करेक्ट हो गया। अब देखिए ध्यान से देखने वाली बात क्या, अब जैसे कि मैं ऑप्शन देखता हूँ, जब मुझे ये पता लग गया कि पहला और दूसरा ठीक है तो मुझे तीसरा चेक करने की जरूरत थोड़ी है, मैं देखूंगा एक ही ऑप्शन है ऐसा, ये तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वाकई में ये प्रॉपर्टी भी होती है कि भाई अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो तीनों त्रिभुज आपके सिमिलर होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है आगे से, और ये आगे भी काफ़ी जगह यूज होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन था, आपने सिमिलरिटी में रेशियो वगैरह पढ़ लिए, पर अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता तो दिक्कत आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका ये, अगर ध्यान से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन में ए क्यू चार रूट दो दे रखा है, डायग्राम मैं बना देता हूँ, पी क्यू पैरेलल है बी सी के,
एक ट्रायंगल है आपका जिसमें ए बी सी, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, देखिए जिसमें आपको दे रखा है पी क्यू समांतर है बी सी के, ठीक है, ए क्यू हो गया 4√2, क्यू सी हो गया 6√2, ठीक है। अब आपने एक चीज पढ़ी, ध्यान से समझिएगा, यहाँ मेन बात है कि आप कितना लिखते हैं, कोई ट्रायंगल की सिमिलरिटी नहीं लिखनी, कोई रेशियो नहीं लिखना। अगर मैं ध्यान से एक बात ऑब्जर्व करूं, इसमें अनुपात कितना है, क्योंकि ये लाइन इसके समांतर है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये वाला भी और इसके बड़े वाला भी, ठीक है। अब आप ध्यान से एक बात देखें, इसका रेशियो मैं जानता हूँ तो 2:3, यानी ये 2:3 में है तो ये भी 2:3 में होगा। 2:3 का मतलब क्या हो गया, 5 यूनिट हो गई, ठीक है। पेन फ्री हैबिट्स देखिए हम कर रहे हैं तो पेन फ्री हैबिट्स के हिसाब से ही करेंगे, पेन फ्री ही सॉल्यूशन आपको देखना है। पेन फ्री का मतलब है कि आपको मिनिमम से मिनिमम आपको लिखना पड़े, ठीक है। अगर आप देखते हैं 2:3 तो ये भी 2:3 का हो गया। आप देखते हैं पूरी लंबाई है इसकी 20 सेंटीमीटर, अगर आप 20 सेंटीमीटर को 2:3 में बांटते हैं, अगर मैं 20 सेंटीमीटर को 2:3 में बांटता हूँ, 5 की वैल्यू 20 यानी 4 गुना, तो 2 का 4 गुना हो गया 8, 3 का 4 गुना हो गया 12। आप बोलेंगे ये 8 और ये 12, तो पी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आपका अप्रोच क्या है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब ये चीज़ भी दिमाग में रखनी पड़ेगी कि भाई ए बी सी एक ट्राइंगल बन गया, डी इसके समांतर है, इसका अनुपात क्या है 2:3, इसका अनुपात 2:3 2:3, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो नीचे वाली वैल्यू पूछी है 3 की 12 और 2 की 8, तो बिना डायग्राम के भी हो सकता है ये क्वेश्चन, पर डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच कैसी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अगर ध्यान से देखते हैं अगर त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समांतर है, अगर देखते हैं त्रिभुज एबीसी में एबीसी त्रिभुज बना लिया मैंने, इसमें डीई बी सी के समांतर हो गया और आपसे बोला गया है कि डी ई बाई बी सी 1/4 है, तो डी और बी सी का अनुपात आपको दे रखा है 1/4, 1/4 अगर ये है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर ये 1 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, अगर मैं एरिया का रेशियो निकालता हूँ तो एरिया क्या हो गया, इसका 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 4 है, तो मतलब ये भी 1 हो गया, ये 4 हो गया, और जो अंतर होता है नीचे वाला हो जाता है, ठीक है। 1 यूनिट अगर 4 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, अगर 4 यूनिट की बात करें तो 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 में से 1 गया बचा 15, तो ये वाला आ गया आपका 15 यूनिट। ये किसकी बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है। अब अगर आगे बढ़ते हैं, आपसे बोला गया ए डी ई का क्षेत्रफल कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। अगर आप देखते हैं 15 यूनिट की, 15 यूनिट कितनी हो जाएगी, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर आपसे ये थोड़ी पूछा गया है, आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है ये कि सी ई डी का क्षेत्रफल बताना है। अगर आप सी ई डी देखते हैं, ये बन गया आपका सी ई डी, और इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब सी ई डी अगर ये है, आप ध्यान से समझिए, एक बहुत बेसिक सी बात बता देता हूँ, देखिए बेसिक सी बात यह है कि अगर एक ट्रायंगल है ठीक है, अगर इसके अंदर आप कितने भी ट्रायंगल बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये सभी क्या है, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में है, 2 पैरेलल लाइन यानी ये वाली और ये वाली, और पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनते हैं उन सभी का हाइट सेम होता है। अब एरिया क्या होता है आपका, हाफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया जो है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ कांस्टेंट हो गया, हाइट भी कांस्टेंट हो गया,
तो जो आधार का अनुपात होता है वही उनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है। यानी इसलिए बोला जाता है कि भाई समांतर रेखा के बीच जितने भी त्रिभुज बनेंगे उन सबके क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार के अनुपात के समान होगा। अगर आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये डी ई, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इन दोनों की जो पैरेलल लाइंस हैं वो ये वाली हैं, डी ई और बी सी, ये भी दो समांतर रेखा के बीच हैं, तो इनके आधार का जो अनुपात होगा वो इनके क्षेत्रफल का होगा। तो आगे का अगर हम देखते हैं, 1:4, जैसे मैं बोल रहा हूँ अनुपात आ गया, 1:4 का मतलब है ये 1 यूनिट हो गया, तो ये 4 यूनिट हो गया। अगर 5 यूनिट का वैल्यू 150 है, देखिए समझाने में मैं समय इसलिए लगा रहा हूँ कि एक बार चीज़ अगर दिमाग में उतर गई तो लिखने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। 5 यूनिट का वैल्यू अगर 150 है तो 1 यूनिट का 30 गुना हो गया, तो 1 यूनिट का 30 गुना यानी इसका क्षेत्रफल आप बोलेंगे 30 यूनिट हो गया, और इसका क्षेत्रफल बोलेंगे 120 यूनिट हो गया। तो सी डी का क्षेत्रफल आपको निकालना था, तो सी डी का क्षेत्रफल अगर आप देखते हैं तो 30 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये भी करंट का ही क्वेश्चन है एग्जाम का, अभी सीजीएल 2018 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इसमें डायग्राम दे रखा है, डायग्राम मैं बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, डायग्राम बना देते हैं। आपको दे रखा है दिए गए चित्र में AD 12, AE 8, EC 14। ये आपका, ठीक है, AD 12, AB C, ये D और ये E, AD 12, AE 8, AD आपको 12 दे रखा है, और साथ के साथ आपको ये भी दे रखा है कि भाई ये एंगल 70 डिग्री होगा और ये भी 70 डिग्री होगा। AE 8, EC 14, ठीक है। अब देखिए मेन मैटर जो करता है वो ये मैटर करता है कि आपका करने का तरीका क्या है। ये भी करंट, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन करंट के लिए हैं, जो 17, 18 मेंस प्री इसके क्वेश्चन आए हैं या सीपीओ के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें दिए गए चित्र में, ये डायग्राम दे रखा है। अब काफ़ी बच्चे क्या गलती करते हैं, इसके अंदर सिमिलरिटी बनानी शुरू कर देते हैं, ए बी सी इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर बहुत ध्यान से देखते हैं, देखिए इसके अंदर जैसे कि वैल्यू आप देखते हैं किसकी निकालनी है, वैल्यू का यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं देख लेता हूँ, बी डी की वैल्यू निकालनी है आपको, बी डी की यानी ये लेंथ निकालनी है आपको, क्वेश्चन मार्क ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है, आपको इसमें बी डी की लेंथ निकालनी है, ये बी डी आपका क्या होगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखते हैं बहुत, तो देखिए बात समझिएगा। अब जैसे कि जब आप सिमिलरिटी लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि दो एंगल आप देख लीजिए कौन से सेम है, ठीक है, उससे पता लगता है सिमिलरिटी होगी या नहीं होगी। और अगर सेम मिल जाते हैं फिर आप देखिए कि तीन एंगल में से कौन से दो एंगल आपके काम के हैं। अगर आप देखें ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है आपका, ठीक है, ये एंगल कॉमन एंगल है जिसके सामने डी है, जिसके सामने बी सी है, पर ना आपको डी पता ना आपको बी सी पता। तो सबसे पहला काम ये रहता है कि आप आइडेंटिफाई करें कौन से सिमिलर हैं, फिर दूसरा काम ये रहता है कि कौन से दो एंगल आपके काम के हैं, यानी ये वाला एंगल तो आपके बिल्कुल काम का नहीं है। फिर बात करते हैं आगे, बाकी दो एंगल आपके काम के होंगे। अब बात समझिएगा ध्यान से, जो एंगल कॉमन नहीं था, इसके लिए मैं अदर इंक लूंगा, जो एंगल कॉमन
कॉमन नहीं था उसके सामने आठ, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने आठ, ठीक है, और जो एंगल 70 था उसके सामने 12, और 8 और 12 में अगर आप रिलेशन देखते हैं तो डेढ़ गुना का है, 8 का डेढ़ गुना 12, इसका मतलब जो एंगल कॉमन नहीं था वो ये वाला है बड़े में, इसके सामने क्या है ये, इसका डेढ़ गुना ये होगा, ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर डेढ़ गुना की वैल्यू 22 है तो एक गुना कितना हो गया, ठीक है, एक गुना हो गया 44/3, पर 44/3 क्या आया आपका, 44/3 आया आपका ये पूरा, ठीक है, पर आपको ये पूरा थोड़ी निकालना था, आपको तो ये निकालना है BD, तो इसमें से क्या घटाएंगे, 12 घटाएंगे, 44/3 में से अगर मैं 12 घटा देता हूँ, अब देखिए बात समझिएगा, अब हम क्या करते हैं गलती, इसी को लिखना शुरू कर देते हैं, आपको लिखना नहीं है इसे, आप डायरेक्ट देखिए 12 36 44 में 36 गया 8, 8/3 आपका आंसर हो गया, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अब ना तो हमने इसके अंदर रेशियो लिखा, ना हमने इसके अंदर सिमिलरिटी लिखी, और आंसर आपका डायरेक्ट किया, तो यही आपको कोशिश करनी है एग्जाम में, आप इसी तरीके से टाइम बचाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन में आपको दे रखा है त्रिभुज ए बी सी एम एन ओ के समरूप है, ए बी सी एम एन ओ के समरूप है, ए बी 8 बी सी 12, ये बिल्कुल करंट का ही क्वेश्चन है CGL का, ठीक है, बी सी 12 ए सी 6 हो गया, ए बी सी का क्षेत्रफल और एन ओ एम का क्षेत्रफल 16:25 हो गया। अब आपको ये बात बताई थी कि जो क्षेत्रफल है वो भुजा के वर्ग पे निर्भर करता है, भुजा के वर्ग पे निर्भर करेगा, यानी अगर क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट आप कर देते हैं यानी 4:5, तो आप देखते हैं 4:5 आ गया साइड का अनुपात, चार अनुपात पांच आ गया साइड का अनुपात, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं जो सिमिलरिटी है वो एबीसी और एमएनओ के बीच है, आपसे पूछिए एमओ, एमओ यानी ये एमओ हो गया, ये एम ये ओ, तो MO के साथ जो साइड लेनी पड़ेगी आपको, तो वो आपको लेनी पड़ेगी AC, पहली और आखिरी, ठीक है, तो AC की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। अगर 4 की वैल्यू 6 है, बात समझिएगा, अगर 4 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू 7.5, डेढ़ गुना 7.5 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये 7.5 है, ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन, आप देखिए पूरा क्वेश्चन हमने किया, लिखा कितना पार्ट, और वो इसी पे डिपेंड करता है कि आप लगातार क्या लगाते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में लगातार आप सॉल्यूशन बना रहे हैं तो पेपर में आप वैसे ही करेंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करता, देखिए समझाने के लिए इतना लिखा, बाकी मैं इसे डायरेक्ट करता, मैं ये देखता ये 4-5 हो गया, ये कितना हो गया, ये निकालना है, ये कितना है 6, डेढ़ गुना 5 का डेढ़ गुना 7.5, सी ऑप्शन में आंसर मार्क कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई बिंदु ए बी और ए सी पर क्रमशः, आप देखिए ध्यान से समझिएगा, अब पहले तो मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन के ऐसे ही सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको कि वैसे कैसे करना है। अगर आप ध्यान से समझते हैं, अगर आप देखते हैं कि ए बी सी, ए बी सी बन गया, ये डी बन गया, ये ई बन गया, समांतर रेखा हो गई, और आपको दे रखा है डी ई और बी सी का अनुपात, ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली भुजा का 3:5:5 दे रखा है, तो ऊपर वाली का एरिया क्या हो गया 9 हो गया, पूरे का कितना हो गया 25, ऊपर का 9 है और पूरे का 25 है, तो नीचे वाले पार्ट का क्या आ गया 16, 9:16 आपका आंसर हो जाएगा, तो आंसर लिखूंगा इसका 9:16, ठीक है। अब इसे एक बार और देख लेते हैं, अगर आप देखते हैं ध्यान से, ए बी सी डी समांतर है बी सी के, ठीक है, 3:5, अब बात बात पे क्या होता है, बच्चे ना छोटे से छोटे क्वेश्चन में भी डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, छोटे से छोटे क्वेश्चन में भी, तो ये गलती है,
और ये गलती आपको नहीं करनी है, छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही करना है, क्योंकि डी बी सी के समांतर है, एक ट्राइंगल के अंदर ये समांतर रेखा बनाई गई, ऐसा कोई पहली बार क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपने देखा अगर डी बी सी के समांतर है तो ये 3:5 हो गया, 3 का मतलब है 3 का स्क्वायर, 5 का मतलब है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो आप देखते हैं ये 9 हो गया और ये 16 हो गया, 9:16 आपका आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, मुश्किल से इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अच्छा क्वेश्चन है, बात को समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, अगर मैं देखता हूं ए बी सी के अंदर, ए बी सी के अंदर ए बी सी के अंदर, ए बी सी के अंदर आपको दे रखा है डी और ई बिंदु ए बी पर और बी सी ए सी पर इस तरीके से है, और पी और क्यू बिंदु बी डी और ई सी पर, ये पी हो गया इधर और ये क्यू हो गया, क्यू और पी। ठीक है, इस तरीके से है कि डी ई पी क्यू के समांतर है और बी सी के समांतर है, ए डी डी पी 3:2 है। अब देखिए ध्यान से बात समझिएगा, यहीं पर ही मैं कर दूंगा इसका काम, आप देखते हैं ध्यान से, ये 3:2 है, डीपी कितना है, 2 है या डीपी 6 है, तो डीपी को अगर मैं 6 बना लेता हूँ 3 गुना, तो ये कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि भाई एडी अगर 9 है तो डीपी 6 हो गया। ठीक है, और पी भी कितना है, 7 है आपका। अब अगर ध्यान से देखते हैं, जैसे आपको बताया गया था 9 अगर ये है तो 9 का स्क्वायर ये हो गया 81 यूनिट। ठीक है, 9 और 6 हो गया 15, 15 का स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर घटाएंगे तो 15 माइनस 9 6 हो गया, 15 प्लस 9 24 हो गया। ठीक है, 144 हो गया आपका ये वाला एरिया। ठीक है, ये 9 का स्क्वायर, ये 15 माइनस 9 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, अगर ये देखते हैं 9 6 15, 15 में से 7 गया 22 आ गया, तो 22 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर घटाना है, 22 माइनस 15 कितना हो गया, 7 हो गया, और 22 प्लस 15 37 हो गया, और 7 × 37 करेंगे तो ये हो गया आपका 259, तो ये आपका 259 हो गया। ठीक है, अब अगर बात देखते हैं ध्यान से, 144 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको वैल्यू दे रखी है 144 यूनिट की, जो कि 432 है। ठीक है, यानी कितना हो गया, 3 गुना हो गया, अगर मैं यहाँ पर 3 गुना करता हूँ। अब देखिए, जैसे कि आप लगातार जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं, मैं कुछ ना कुछ छोटा तरीका जरूर निकालते हैं हम हर क्वेश्चन के अंदर। अगर आप 9 को 3 से गुणा करेंगे लास्ट में 7 आ जाएगा, तो लास्ट में 7 किस में, इसमें है, तो 777 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अच्छा क्वेश्चन था, पर करने का तरीका बहुत मैटर करता है और मेंटल कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है कि आप दिमाग में कितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आता हूं, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा है, डायग्राम इसमें नहीं दे रखा है, डायग्राम मेरे को बनाना पड़ेगा, अगर डायग्राम बना देता हूं मैं इसमें, ठीक है, डायग्राम बना देते हैं इसी के अंदर, डायग्राम आपको दे रखा है ये, अगर देखता हूँ मैं डायग्राम, ए बी सी डी, बी सी डी, ये थीटा है, ये भी थीटा दे रखा है आपको, ये 9 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, और ये आपको 6 दे रखा है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन, 9 12 और 6, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। देखिए, अब मेन मैटर यही करता है हमेशा कि आपकी अप्रोच क्या है, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है इसके अंदर,
आप देखेंगे एक में पेरीमीटर का अनुपात निकालना है, परिमाप का, और दूसरे में क्षेत्रफल का। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सिमिलर ट्राइंगल कौन से हैं। सिमिलर ट्राइंगल कौन से हैं, अगर ध्यान से देखें, ए बी सी जिसमें थीटा भी है, ये वाला एंगल भी है। अगर ये वाला आप देखते हैं तो इसमें थीटा भी है और ये वाला एंगल भी है, तो ए बी सी वाला और ये वाला ट्राइंगल आपका समरूप हो गया, यानी सिमिलर ट्राइंगल हो गया। अगर आप ध्यान से देखते हैं, जो एंगल कॉमन था थीटा, उसके सामने क्या है, 12 है। जो थीटा था उसके सामने क्या है, 9 है। ठीक है, तो ये कितना अनुपात हो गया, ये हो गया 9:12। ठीक है, और अगर बहुत ध्यान से एक बात समझे, 9:12 का मतलब क्या है कि भाई ये साइड का रेशियो आ गया आपका, कि अगर ये 9 यूनिट हो गया तो ये 12 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर आपको निकालना है किसका, ए डी सी और बी डी सी का। अगर मैं इसका परिमाप देखता हूँ, 12, 9, 21, 6, 27, 9 की वैल्यू अगर 27 है तो 12 की वैल्यू 36 हो जाएगी। आप ये बोलेंगे 36 यूनिट इसका परिमाप होगा, किसका, बड़े वाले का, ए बी सी का। ठीक है, तो ए बी सी का परिमाप आपका 36 हो गया। 36 का मतलब है 12 ये, 9 ये, 21, इसका मतलब है इन दोनों का मिलाकर 15 होना चाहिए, ये और ये मिलाकर। ठीक है, तो अगर यहां पर ध्यान से देखते हैं, आपको परिमाप निकालना था एडीसी, एडीसी का परिमाप कितना हो गया, एडीसी का परिमाप हो गया 15 और 6, 21। बीडीसी का परिमाप कितना था, 27। तो ये आंसर कितना आ गया आपका, 7:9, ये आपका आंसर हो गया। तो 7:9 आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन के अंदर जो परिमाप का अनुपात आपको निकालना है वो 7:9 आ जाएगा। आप ये देखिए, डायग्राम तो आपको गिवन ही होगा, उसके अलावा आपने कितना लिखा, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। दूसरी कंडीशन, अगर मैं बात करूं यहीं पर ही इसकी, क्षेत्रफल की, अभी अभी आपने देखा कि भाई अगर ये ट्राइंगल था, अगर ये ट्राइंगल था अगर ये ट्राइंगल था ठीक है, तो इसके अंदर आपने रेशियो देखा इसका, अगर आप रेशियो निकालते हैं 3:4, 3:4 अगर भुजा का अनुपात है, अगर 3:4 भुजा का अनुपात है, तो क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये 9 यूनिट होगा तो पूरा 16 यूनिट होना चाहिए। 16 यूनिट का मतलब है ये 7 यूनिट होना चाहिए, और आपको अनुपात किसका निकालना है, एडीसी और बीडीसी का। तो एडीसी कितना हो गया, 7 यूनिट, बीडीसी कितना हो गया, 9 यूनिट। तो आप देखते हैं दोनों ही दशा में आंसर 7:9 आएगा, यहाँ भी 7:9 है और यहाँ भी 7:9 है। तो 7:9 आपका आंसर हो गया, चाहे वो परिमाप का हो, क्षेत्रफल का हो। अब मेन क्या डिपेंड करता है, देखिए जैसे कि आपने लगातार सेशन देख रहे हैं, आपने पहला सेशन भी देखा और आप बहुत आराम से ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि मेन मैटर जो है वो अप्रोच है। आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, इसको अगर मैं बड़े तरीके से लिखवाऊं क्लासरूम सॉल्यूशन की, पहले ए बी सी इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, ये अनुपात ये, तो ऐसा पेपर में नहीं चल पाता। अगर पेपर की अगर बात करें तो पेपर में ऐसी अप्रोच चल पाती है कि आपको अंडरस्टैंडिंग पहले से हो, सब चीज़ पढ़ रखी हो, आपको केवल परफॉर्म करना है, और वही परफॉर्मेंस पे हमने यहाँ पर ध्यान दिया। अगर आप देखें ध्यान से, तो आपने लिखी कितनी चीज़, एक चीज़ ये लिखी आपने, एक चीज़ ये लिखी और एक चीज़ ये लिखी, तीन चीज़ों के अंदर आपके 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यही अप्रोच आपको अपनानी है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है, जिसके अंदर समकोण ए पर है। अगर मैं समकोणीय त्रिभुज ही ले लेता हूं, चलिए ये आ गया आपका समकोणीय त्रिभुज। सॉरी, ठीक है, समकोणीय त्रिभुज आ गया आपका, जिसका राइट एंगल ए पर है, राइट एंगल हो गया इसका ए पर, ए बी 3 है, ए सी 4 है,
और ए डी बी सी पर लंब है, और आपको निकालना है ए डी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, ए डी बी का आपको क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि ये 5 है, ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। अगर बहुत ध्यान से समझते हैं आप, मैं इंक चेंज करूंगा इसमें समझाने के लिए, ये वाला ट्रायंगल और ए डी बी ये समरूप होंगे। समरूप का मतलब है इसमें 90 के सामने मैं देखता हूँ 5 आ रहा है, इसमें 90 के सामने 3 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो गया भुजा का अनुपात क्या हो गया 5:3, क्षेत्रफल का क्या हो गया 25:9, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे 25:9। 25 की अगर बात करें, इस पूरे का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 12 हो गया, 6 हो गया, 12/2। 25 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो आपको वैल्यू निकालनी है 9 यूनिट की, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 54/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 54/25 आपका आंसर आ जाएगा। 54/25 कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है। अगर वो ये वाला एरिया पूछता, 25 की वैल्यू 6 हो गई, 16 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो 96/25 आ जाता। और अगर आप ऐड करते हैं दोनों को तो आप देखते हैं 6 आपका वापस आंसर हो जाएगा, 96/25 और 54/25। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आपका आखिरी क्वेश्चन। देखिए, मैंने कोशिश करी है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेने की जिसके अंदर सिमिलरिटी आप बहुत अच्छे से लगा पाएं। ठीक है, डायग्राम मैं इसका बना देता हूँ आपके लिए, डायग्राम आपका ये है। डायग्राम है आपका ये, ठीक। इसके अंदर दे रखा है ए बी सी और डी, ये बी हो गया, ये सी, ये ए, और इसी को बढ़ाते हैं अगर तो ये E, और ये दे रखा है आपको D। एक बार मैं डायग्राम और चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी लेंथ आपको दे रखी है 9, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 15, 9 एंड 15। अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखते हैं तो ये वाला एंगल कॉमन है। ठीक है, ये एंगल आपका हो गया कॉमन। अगर आप ध्यान से देखें कि 90 के सामने क्या है, यहां पर देखते हैं और यहां पर देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से कर देता हूं इसे। ये वाला एंगल कॉमन है, ठीक है, और बी सी आपको 9 दे रखा है। जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने क्या आ गया, 9, क्योंकि 90 और ये तो कॉमन था, और जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने क्या आ गया, 15 आ गया। आप बोलेंगे कि भाई 9:15, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, 9:15 9 है इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें, और अगर बात करें इसकी एसी की, एसी आया 90 के सामने, 90 के सामने क्या है, 4x-1, तो ये 4x-1 हो गया आपका, और दूसरा क्या हो गया आपका, 5x+3, सीडी की वैल्यू। सीडी कौन सा, ये वाला जो इस वाले 90 के सामने है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। अब देखिए, या तो आपके पास ऑप्शन हो अगर, तो
तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, अदरवाइज क्या कर सकते हैं, अगर मैं 3 से काटता हूँ, 3:5, पहले केवल एक्स वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे केवल नंबर वाला। 3 × 15 = 5 × 20, 3 × 15 = 5 × 20, 20 में से 15 गया, बचा 5x, ठीक है। उसके बाद 5 × 5, 3 × 3 = 9, 9 और 5 हो गया 14, क्योंकि यह माइनस है प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका 14 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई आपकी 2.8, ठीक है। तो 2.8 आपका आंसर आ जाएगा, और वही आपसे पूछा गया है। तो ये थी आज की आपकी ज्योमेट्री की क्लास। मैंने कोशिश करी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट समझाने की। कुछ एक सेशन अभी आपके ज्योमेट्री के और आएंगे कि ज्योमेट्री में सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आप और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कुछ सीखा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी लाएंगे आपके लिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, जब तक जय हिंद।